बताएंगे जो ये पिस्टन है लकड़ी काटने वाला मशीन का, उसे आप कैसे बैठा सकते हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे पिस्टन जल्दी ख़राब होता है, किस वजह से ख़राब होता है। ये वीडियो में हम दिखाते हैं इसको, चलते हैं स्क्रीन पर। इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इसको जो ब्लॉक फिल होता है उसे हम निकाल लिए हैं। ये पन्नी जो है इसको हम फाड़ते हैं इसको। अब एडिंग पिन और बैरिंग है, और जो ये पिस्टन है इस पिस्टन को हमने निकाल लिया है। ये जो पैकिंग है पैकिंग भी हमने निकाल लिया है। एक ये जो पाइप होता है, जो पाइप इसमें ऐसे टाइट होता है, इसमें इसमें टाइट होता है, ये लगता है। ये दोनों बोल्ट हमने टाइट कर लिया है, इसको हमने टाइट के लिए। ए पिस्टन देखिए जो हम लोग इस पन्ने में निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग होते आती है। अब जो पिस्टन है, पिस्टन इस पे एक तीर का निशान है, ये ऐसे आगे मुंह लगता है। ये जो जी मॉडल ये लॉक है, ये लॉक जो पिस्टन में ऐसे बैठता है, ऐसे एक पतला पेचकस से। ये लॉक बैठ गया है। ये जो पिन है, इस पिन को हमने ऐसे पन्नी को फाड़ लीजिए, फिर ये जो है इसमें ऐसे पिन डाल के जो आया एडिंग के नंबर, एडिंग में जो हल्का हल्का जैसे गैप है, जो यही हल्का कटिंग है, इसमें कटिंग को ऐसे एक जो बिंदी वाली है, इस बिंदी में ऐसे हम बैठा देते हैं, कटिंग उसका बना रहता है। अब ऐसे हमने उकर लिया ये लॉक, इसी पे ऐसे पिस्टन चलेगा तो ये चिपक जाएगा ऐसे। यही इसका टाइमिंग है, यही इसका लॉक है, इसमें ध्यान रखना है। ये दोनों लॉक एक यहाँ पर है, एक यहाँ, ये दोनों ऐसे लॉक होता है, जो यही इसका टाइमिंग है। अगर यस करेंगे तो पिस्टन ही बैठेगा ही नहीं। ये दो जो बैरिंग जो है, इस बैरिंग को हमने ऐसे बैठा लीजिए। ऐसे कबल लगता है जैसे बैरिंग का ऊपर पर, ऐसे घीडी टाइप में ऐसे ऐसे लगता है। अब पिन ऐसे निकाल के फिर ऐसे आराम से जो जी वाला लॉक है, अब पिस्टन इसका जो लॉक है सब बैठ गया है, इसमें ध्यान रखा है। ये बैठेगा जब हल्का सा मोबिल इसमें लगा के, ऐसे मोबिल लगा लीजिए। फिर जो ब्लॉक किट है इसमें भी हल्का सा ऐसे लगा लीजिए, फिर आराम से ऐसे इसको लॉक दोनों ध्यान में, एक लॉक इधर है एक लॉक इधर, इसको कटिंग वाले हिस्से में जब बैठेगा तभी ये बढ़िया से ऐसे सेट होगा, इसका आराम से ऐसे बैठ जाएगा आराम से। आराम से बैठ गया है। अब चारों जो बोल्ट है इसको हम चार जगह लगता है, चार छेद है, इसको हम टाइट उसमें कर देते हैं।
एक ब्लॉक बढ़िया से चारों बोल्ट टाइट के लिए हमने, अब इसको हम सलेंसर लगाएंगे। सलेंसर इसको बोल्ट दोनों लगा लिए हैं, सलेंसर जो है पाइकिंग लगता है, पाइकिंग तो हमने लगा दिया है। अब इसका 8 नंबर जो बोल्ट लगता है चार नंबर रिंग की, कार्बेटर जो एडजस्टिंग यही है, जो पाइकिंग यही है, इसमें एक कार्बेटर टाइट होता है। इसको एक पाइप ऐसे अंदर से डाल के ऐसे आराम से, जो पाइप निकलता है बीच से, आराम से ऐसे बैठा लेना है। जो पाइकिंग है एक कार्बेटर का, जो इसमें क्लिप जो पीतल का टाइप में बैठता है, ये जो रबर का टाइप में है, इसको हम ऐसे बैठा देते हैं। इसको हमने ऐसे बैठा दिया, आराम से बैठ गया। एक कार्बेटर है, कार्बेटर को तो हमने अगली वीडियो में तो बताए होंगे। ऐसे इसको हम सेट कर दें, इसको ये तो नया कार्बेटर हम डाल रहे हैं। ये तो जो से 2 बोल्ट लगता है कार्बेटर के बीच में जो जाता है, यही कार्बेटर को खूब बढ़िया कवर करता है, यही टाइट होता है। स्टार्टर जो है इसको हम लगा देते हैं, इसको हम खोल देते हैं सफाई के लिए। ऐसे स्टार्टर बैठ जाएगा। ये पलक जो है हमने इसको साफ कर लिया बढ़िया से, इसको हम बांधते हैं पलक को। पलक को हमने टाइट कर लिया है, पलक टॉप है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं चालू होता है कि नहीं। ये स्विच हमने हटा के डायरेक्ट कर दिए। तो इस पेट्रोल टंकी में हम देखते हैं पेट्रोल है कि नहीं। पेट्रोल तो नहीं है इसमें, हम पेट्रोल डालते हैं। इसमें अगर पेट्रोल में टोटी आयल नहीं मिलाया जाएगा तो पिस्टन जल्दी सीज हो जाएगा। इसमें हमने टोटी आयल मिला दिए हैं, इसीलिए अब इस टंकी में हम डालते हैं तेल। बड़ा दूर इसको हम पहले चौक में कहते हैं, अब हम स्टार्ट कहते हैं। चालू हो गया भाई।